हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सौरभ एंड यू आर वाचिंग द आर्ट मैन। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले मेरे पेंसिल कलेक्शन के बारे में। इंस्टाग्राम पे बहुत से जनों ने मेरे से ये क्वेश्चन किया था कि मैं रियलिस्टिक ड्राइंग के लिए कौन सी पेंसिल्स काम में लेता हूँ, तो इस वीडियो में मैं पूरा बताने वाला हूँ और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि मैंने कौन सी पेंसिल से कौन से आर्ट वर्क बनाए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले स्टेडलर मार्स ल्यूमोग्राफ की ग्रेफाइट पेंसिल्स आती है, तो 6 ग्रेड्स के साथ आती है, HB, 2B, 4B, 6B, 7B, 8B, और ये पेंसिल्स काफ़ी अच्छी है। मैं इस टाइम पे यही पेंसिल्स यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी स्टर्डी है और ऐसे आसानी से ब्रेक नहीं होती है, शार्प करने पर पॉइंट शार्प कर सकते हैं इसको ईजिली। और एक बार यहाँ पर देख लेते हैं HB से लेकर 8B तक इसकी ग्रेड्स। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बियानियो की ग्रेफाइट पेंसिल्स के बारे में, जो कि मैं इनिशियली यूज़ कर रहा था जब मैंने ड्राइंग स्टार्ट की थी। उसके कुछ टाइम बाद मैंने मंगवाई थी और ये पेंसिल्स भी काफ़ी अच्छी आती है। 2H से लेके 12B ग्रेड्स तक आती है ये पेंसिल। और जब मैंने शुरू में इससे जैसे वन मंथ के बाद शायद मैंने मंगवाई थी ये, और इसके रिजल्ट्स मेरे को काफ़ी अच्छे लगे। डार्कनेस भी काफ़ी अच्छी है और ये इजीली ब्रेक भी नहीं होती है शार्प करने पे, तो काफ़ी अच्छी पेंसिल्स आती है ये। तो दोस्तों, अब बात करते हैं स्टेडलर मार्स ल्यूमोग्राफ की ब्लैक पेंसिल्स, जो मेरी काफ़ी फेवरेट है, जो कि 6 ग्रेड्स के साथ आती है, HB, 2B, 4B, 6B, 7B और 8B। ये पेंसिल्स मेरे को इसीलिए पसंद है क्योंकि ये क्या है, इसको ये रफ़ चलती है, तो क्या है, आप एक क्लासिक स्किन टेक्सचर इसमें ड्रॉ कर सकते हो। बहुत ही शानदार पेंसिल आती है, मैं ये हर को रिकमेंड करता हूँ कि लेनी चाहिए ये पेंसिल। और मैं ये लगभग मेरी हर पोर्ट्रेट में इनको यूज़ करता हूँ, इन पेंसिल को। डार्कनेस आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी डार्कनेस है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि देख लो, आप देख रहे होगे कि ये कैसे रफ़ टेक्सचर आ रहा है इससे। तो अगर आप इसको लेयर्स में ग्रेफाइट पेंसिल्स के साथ यूज़ करते हो और चारकोल के साथ यूज़ करते हो, बहुत ही अल्टीमेट रिज़ल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, अब है जनरल्स के चारकोल पेंसिल, जो मेरी मोस्ट फेवरेट पेंसिल है चारकोल में। ये काफ़ी स्मूथ पेंसिल आती है और 4 ग्रेड्स में आती है, HB, 2B, 4B और 6B ग्रेड्स में। और ये काफ़ी अच्छी पेंसिल है, डार्कनेस बहुत अच्छी है, इजीली ब्लेंड होती है पेंसिल और फैलती बहुत सही से है ये। नेक्स्ट पेंसिल्स है वो है कैमलिन के चारकोल पेंसिल्स। मैं सॉफ्ट काम में लेता हूँ, सॉफ्ट काम में ले रहा हूँ। बाकी इसकी शायद तीन फॉर्म में आती है, एक तो सॉफ्ट आती है, न्यूट्रल आती है और शायद नॉर्मल आती है। ये भी काफ़ी अच्छी पेंसिल्स है, वैसे मैं इनको कभी कभी यूज़ करता हूँ। पहले तो मैं जैसे जनरल्स और पेंसिल्स नहीं थी तो मैं इन्हीं को यूज़ कर रहा था अपनी पोर्ट्रेट में, तो ये भी काफ़ी अच्छी पेंसिल्स है। तो दोस्तों, अब आती है मैकेनिकल पेंसिल्स या लीड पेंसिल्स। सबसे पहले मैं जो काम में ले रहा था वो सेलो और हाउसर कंपनी की मैकेनिकल पेंसिल्स। सेलो की जो पेंसिल्स काम में ले रहा था मैं, वो 0.5 mm लीड्स के साथ आती है, और हाउसर वाली आती है वो 0.7 mm लीड्स के साथ आती है। शुरू में ये मेरे को काफ़ी अच्छी लगी ये पेंसिल्स, बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छी है। और ऐसी बात नहीं है, इनको बजट में भी आती है और क्या बोलते हैं कि इनको कोई भी यूज़ कर सकता है, ऐसा कोई बिगनर्स या एडवांस होता नहीं है वैसे आर्ट में। और उसके बाद जो मैंने यूज़ की थी वो है सकुरा की मैकेनिकल पेंसिल्स, जो 0.5 mm लीड्स, जो पेंटल की लीड्स आती है वो यूज़ करता हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छी लीड्स आती है। और अब बात कर लेते हैं ग्राफ गियर 1000 की, जो मैंने रिसेंटली मंगवाई है, और ये काफ़ी अच्छी मैकेनिकल पेंसिल्स है। ये वेटेड आती है थोड़ी सी, और इसमें आप क्या है चेंज भी कर सकते हो, जैसे HB, 2B, H, उसके अकॉर्डिंग, लीड्स के अकॉर्डिंग। तो ये देखो, आप देख रहे होंगे ना, और इस जो पेंसिल के साथ, इस पेंसिल की सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी ग्रिप काफ़ी परफेक्ट आती है।
तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कलर पेंसिल्स के बारे में। जो मैं इस टाइम पे यूज़ कर रहा हूँ वो प्रिज्मा कलर प्रीमियम कलर्ड पेंसिल्स है और फेबर कैसल कलर्ड पेंसिल्स है, जो कि 24 पॉलीक्रोम्स कलर पेंसिल्स आती है। दोनों ही पेंसिल्स अपनी अपनी जगह पे अच्छी है, काफ़ी अच्छी पेंसिल्स है, प्रीमियम क्वालिटी की पेंसिल्स है। बस ये है कि जो ये प्रिज्मा कलर की पेंसिल्स है ये इजीली ब्लेंड हो जाती है और फेबर कैसल में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। बाकी मैं दोनों को मिक्स में यूज़ करता हूँ, मैं कोई ऐसे अलग से कोई यूज़ नहीं करता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रिज्मा कलर कलर पेंसिल्स के बारे में। मेरे पास 48 पेंसिल्स का सेट है जो इस टाइम पे है, और ये शायद 72 भी आता है और 120 का आता है शायद। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बेसिक्स थोड़ा बहुत बेसिक्स दिखा देता हूँ कि पेंसिल्स कैसे चलती है। ये काफ़ी इजीली ब्लेंडेबल पेंसिल्स है, आप काफ़ी लेयर्स में काम कर सकते हो इसमें। जैसे आप मान लो कि आपको रियलिस्टिक ड्राइंग बनानी है तो क्या उसमें काफ़ी लेयर्स की नीड होती है कि हाँ भाई आप एक दूसरे के ऊपर लेयर्स पे काम करते हो। तो ये क्या है, काफ़ी अच्छी पेंसिल्स है। तो अब बात कर लेते हैं फेबर कैसल पॉलीक्रोम्स कलर पेंसिल्स की। ये भी काफ़ी अच्छी पेंसिल्स है, ये शायद हाईएस्ट 120 तक आती है। ये आप इनको ऐसे नहीं कि साथ में यूज़ करो, अलग अलग भी यूज़ कर सकते हो। ये देखो मैं आपको एक बार लिस्ट दिखा देता हूँ, ये शायद 120 की लिस्ट है। प्रिज्मा कलर के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो क्या इसमें ब्लेंडिंग में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। प्रिज्मा कलर तो क्या काफ़ी अच्छे से फैलती है, और ये प्रिज्मा कलर क्या वेक्स बेस पेंसिल है तो ये भी, लेकिन प्रिज्मा कलर में ब्लेंडिंग बहुत इजीली होती है, जबकि इसमें थोड़ा सा ब्लेंडिंग के लिए जैसे आप स्किन में काम कर रहे हो या फिर आप हेयर बना रहे हो तो इसमें क्या है थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है आपको। बाकी ये भी काफ़ी ब्लेंडेबल पेंसिल्स है। इसमें जो नेक्स्ट पेंसिल्स है वो है प्रिज्मा कलर की स्कॉलर पेंसिल्स, जो कि एक्चुअल में बिगनर्स के लिए आती है। और ये पेंसिल्स इसीलिए है क्योंकि प्रिज्मा कलर प्रीमियर पेंसिल्स वो क्या आर्टिस्टिक क्वालिटी की पेंसिल्स आती है और वो काफ़ी महंगी भी आती है। तो इसीलिए आपको शुरू में इस पेंसिल से प्रैक्टिस करनी चाहिए, स्कॉलर पेंसिल से। ये बहुत ज़्यादा हाईली ब्लेंडेबल नहीं होती उसकी तरह, लेकिन ये भी अच्छी पेंसिल है। मैंने शुरू में इसको काम में लिया था प्रिज्मा कलर से पहले, और फिर मेरे को ऐसे थोड़ा नॉलेज हो गया था पेंसिल्स का, कलर पेंसिल का, फिर बाद में मैंने वो यूज़ की थी वो पेंसिल। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं मैंने कौन सी पेंसिल से कौन सी ड्राइंग बनाई है। तो सबसे पहले मैंने वेनम की बनाई थी बियानियो पेंसिल से, काफ़ी अच्छी दिख रही होगी ये, क्योंकि ये मेरे को शुरू में मैंने, और ये क्लासमेट के पेपर पे बनाई थी मैंने ये ड्राइंग। और इसके बाद ये ओल्ड मैन के पोर्ट्रेट बनाई थी, ये भी मैंने पियानियो की पेंसिल से बनाई थी, और इसमें मैंने अप्सरा की पेंसिल भी यूज़ की हुई है, लेकिन मैंने बताया नहीं था क्योंकि अप्सरा पेंसिल के बारे में सबको पता होता है। और इसके बाद में जो मैंने काम में ली है वो ग्रेफाइट पेंसिल्स में, ये मैंने स्टेडलर ग्रेफाइट पेंसिल से बनाई हुई है, कम्प्लीट ग्रेफाइट पेंसिल से बनाई हुई है ये भी। तो ये भी काफ़ी अच्छी पेंसिल है, स्टेडलर ग्रेफाइट पेंसिल्स। और इसके बाद मैंने मिक्स मीडिया में, जैसे मिक्स मीडिया मतलब ऐसे है कि ये रॉबर्ट डाउनी जूनियर की मैंने चारकोल पेंसिल कैमलिन की भी काम में ली थी, जनरल्स की भी काम में ली थी, और स्टेडलर ब्लैक पेंसिल्स भी यूज़ की थी। इसमें ग्रेफाइट मैंने बहुत ही कम यूज़ की है। इसके बाद ये रणवीर सिंह की ड्राइंग बनाई थी, ये मैंने जनरल्स की चारकोल पेंसिल और स्टेडलर ब्लैक पेंसिल से बनाई है। तो आपको ये भी देखो काफ़ी अच्छी दिख रही होगी ड्राइंग भी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कलर्ड पेंसिल ड्राइंग्स के बारे में। जो ये ब्लू रोज की ड्राइंग है ये मैंने बनाई थी फेबर कैसल पॉलीक्रोम्स और प्रिज्मा कलर स्कॉलर पेंसिल से, दोनों को मिक्स में यूज़ किया था। बैकग्राउंड मैंने प्रिज्मा कलर स्कॉलर से बनाया था, और फिर ये नेक्स्ट पोर्ट्रेट है ये भी मैंने फेबर कैसल और प्रिज्मा कलर स्कॉलर यूज़ करके बनाया हुआ है। तो देख सकते हो आप, ये भी काफ़ी अच्छी पोर्ट्रेट बनी थी। इसकी मैंने स्किन है वो प्रिज्मा कलर स्कॉलर से बनाई थी, और उसमें फेबर कैसल भी यूज़ की थी थोड़ी बहुत। उसके बाद जब मैंने फर्स्ट टाइम पे प्रिज्मा कलर प्रीमियर यूज़ की थी, प्रिज्मा कलर प्रीमियर, तो मैंने सुशांत सिंह राजपूत की पोर्ट्रेट बनाई थी। ये कम्प्लीट प्रिज्मा कलर प्रीमियर से बनाई हुई है, तो ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है।
और उसके बाद मैंने यूज़ की थी ये 3D ग्लास एप्पल्स बनाए थे, उसके अंदर मैंने प्रिज्मा कलर प्रीमियर और फेबर कैसल दोनों यूज़ की हुई है। ज़्यादा प्रिज्मा कलर प्रीमियर है तो देखो काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ रहा है, 3D लग रही है काफ़ी, और इसमें बनाने में काफ़ी टाइम भी लगा था मेरे को। तो दोस्तों ये वीडियो तो थी पेंसिल कलेक्शन के बारे में, आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी यूजफुल लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप ड्राइंग, कीप प्रैक्टिसिंग, सी यू सून।